पदाधिकारी बांका की अध्यक्षता में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला की तैयारियों के संबंध में अपर समाहर्ता बांका, अनुमंडल पदाधिकारी बांका, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बेलहर एवं कटोरिया तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं थाना अध्यक्ष बेलहर, कटोरिया एवं चांदन के साथ श्रावणी मेला 2022 की आवश्यक तैयारी को लेकर समीक्षात्मक बैठक उनके कार्यालय वैसम में आहूत की गई। बैठक में जिला पदाधिकारी द्वारा उचित सभी पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि श्रावणी मेला 2022 की तैयारियों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रखंड विकास पदाधिकारी व अंचलाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे अपने अपने क्षेत्र के अंतर्गत कांवरिया मार्ग में कार्यों का प्रतिदिन पर्यवेक्षण, अनुश्रवण एवं निगरानी करेंगे। कांवरिया मार्ग में जितने भी अस्थायी अतिक्रमण है उसे संयुक्त रूप से अतिक्रमण मुक्त कराने का निर्देश दिया गया एवं अस्थायी अतिक्रमण करने वाले जगहों पर जहां से कांवरिया पथ गुजर रहा है वहां चूना का मार्किंग अपने अपने क्षेत्र में 3 दिनों के अंदर पूरा करने का निर्देश दिया गया। कांवरिया पथ में जो भी दुकानदार रहेंगे उनका रजिस्ट्रेशन अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा। पूरे कांवरिया पथ पर संचालित सभी दुकानों का नंबरिंग होगा जिसमें सभी दुकानों का अलग अलग नंबर आवंटित किया जाएगा जिसका बोर्ड वह अपने दुकान के आगे लगाएंगे। कांवरिया पथ पर जितने भी प्राइवेट धर्मशाला है सभी के केयर टेकर, संचालक एवं संबंध कर्मी का नाम, पता एवं मोबाइल नंबर सहित सूचना संग्रहित कर प्रखंड स्तरीय सूची में तैयार कर रखेंगे एवं धर्मशाला के प्रवेश द्वार पर प्रशिक्षित करेंगे। सभी अंचलाधिकारी को निर्देशित किया गया कि वे श्रावणी पथ में दुकानदारों द्वारा दुकान के सामने बड़ा कूड़ादान लगवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे ताकि गंदगी चारों तरफ नहीं फैल सके। प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि वह अपने क्षेत्र के अंतर्गत 5 किलोमीटर की दूरी पर अपने स्तर से 100 से 150 की संख्या में स्वच्छता प्रहरी की प्रतिनियुक्ति कराएंगे एवं स्वच्छता कंट्रोल रूम का निर्माण करेंगे। विभिन्न विभागों द्वारा श्रावणी मेला के अवसर पर कराए जा रहे कार्यों का संबंधित पदाधिकारियों को सतत निगरानी स्थानीय स्तर पर करने का निर्देश दिया गया। सीसीटीवी एवं बैरिकेडिंग का स्थल 3 दिनों के अंदर चिन्हित करने का निर्देश दिया गया। पंचांग के अनुसार इस वर्ष श्रावणी मेला 13 जुलाई से प्रारंभ होगी। उससे 2 सप्ताह पहले ज्वाइंट आदेश निकालकर मॉक ड्रिल कर लिया जाएगा। इसके अलावा बैठक में साफ सफाई, चिकित्सा, स्वच्छता, यातायात व्यवस्था, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सुरक्षा आदि विषयों पर गहनता से समीक्षा की गई। उत्पाद टीम और एलटीएफ ने संयुक्त रूप से ड्रोन कैमरा के साथ रजौन थाना अंतर्गत वामदेव मुसहर टोला, खेरा और फुदकीपुर तथा अमरपुर थाना अंतर्गत पिरोटा, नरकट्टा और महादेव स्थान में छापेमारी करते हुए 30 लीटर देसी शराब और 480 किलोग्राम किण्वित जावा महुआ का घोल बरामद कर कार्रवाई की गई। इस दौरान पिरोटा में एक अवैध शराब की भट्टी एवं एक ताड़ी बिक्री केंद्र को ध्वस्त किया गया। छापेमारी दल में एलटीएफ रजौन प्रभारी एवं अमरपुर थाना बल के द्वारा उत्पाद टीम को आवश्यक सहयोग प्रदान किया जा रहा था। जिला पदाधिकारी बांका के निर्देश के आलोक में बांका जिले में कुल 30 अमृत सरोवर के निर्माण कार्य का प्रारंभ किया गया है। रजौन के ग्राम पंचायत कटचातर, लीलातरी, पड़घड़ी, लकड़ा, ओढ़हारा, नवादा, खरौनी, संझा, श्यामपुर, सिगनान पंचायत में कुल 7 अमृत सरोवर का कार्य प्रारंभ किया गया। बौसी के ग्राम पंचायत कैरी, नया गांव, अंगारू, जबड़ा, असनाहा, सापडहर पंचायत में कुल 5 अमृत सरोवर का कार्य प्रारंभ किया गया। आनंद के ग्राम पंचायत गौरीपुर पंचायत में कुल 3 अमृत सरोवर का कार्य प्रारंभ किया गया। धोरैया के ग्राम पंचायत चलना करमा कुल 2 अमृत सरोवर का कार्य प्रारंभ किया गया। बाराहाट के ग्राम पंचायत पथरा में अमृत सरोवर का कार्य प्रारंभ किया गया। अमरपुर के ग्राम पंचायत भदरिया, गोरगामा, रतनपुर, मकदुमा में कुल 4 अमृत सरोवर का कार्य प्रारंभ किया गया। तंबूगंज ग्राम पंचायत विरनौधा, झखरा कुल 2 अमृत सरोवर का कार्य प्रारंभ किया गया। बेलर के ग्राम पंचायत बेलजीहा कुल 2 अमृत सरोवर का कार्य प्रारंभ किया गया। फुलडुमर के ग्राम पंचायत भीतिया एवं तेलिया पहाड़ कुल 2 अमृत सरोवर का कार्य प्रारंभ किया गया। कोरिया के ग्राम पंचायत जयपुर एवं बांका के ग्राम पंचायत छतरपाल भातुराय गोड़ में 1-1 अमृत सरोवर का कार्य प्रारंभ किया गया। जिला पदाधिकारी बांका द्वारा बांका प्रखंड के छतरपाल पंचायत अंतर्गत भातुराय गोड़ में अमृत सरोवर के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। उप विकास आयुक्त बांका द्वारा रजौन प्रखंड के कटचातर लीलात्री ग्राम पंचायत में सरकारी अमृत सरोवर, पड़लकड़ा ग्राम पंचायत में किशनपुर में कुशहा अमृत सरोवर एवं धोरिया प्रखंड के करमा ग्राम पंचायत के शीतला में अमृत सरोवर का निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। विभागीय निर्देशानुसार जिले में आजादी के अमृत महोत्सव अंतर्गत कुल 75 अमृत सरोवर का निर्माण कार्य किया जाना है। अमृत सरोवर अंतर्गत 1 एकड़ अथवा 1 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल के पोखर का जीर्णोद्वार तथा निर्माण किया जाना है जिसके संग्रहण की क्षमता 10,000 क्यूबिक मीटर से कम नहीं होगी।
जिला पदाधिकारी बांका की अध्यक्षता में आंतरिक संसाधनों में वृद्धि करने वाले विभागों के पदाधिकारी के साथ उनके कार्यालय वैसम में समीक्षात्मक बैठक आहूत की गई। बैठक में उपस्थित जिला अवर निबंधक बांका, जिला परिवहन पदाधिकारी बांका, खान निबंधक बांका, सहायक अभियंता राजस्व, विद्युत प्रमंडल बांका, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद बांका, नगर पंचायत अमरपुर को विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध 100% राशि वसूल करने का निर्देश दिया गया। साथ ही राजस्व वसूली में वृद्धि करने की कार्य योजना तैयार कर वसूली में अपेक्षित प्रगति लाने का निर्देश दिया गया। बैठक में अनुपस्थित पदाधिकारियों को कारण प्रेक्षा समर्पित करने का निर्देश दिया गया। नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने निकाला विशाल जुलूस। गया जिले के इमामगंज प्रखंड क्षेत्र के कोठी में पूर्व भाजपा प्रवक्ता नूपुर शर्मा की टिप्पणी से नाराज मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जुलूस निकाला। यह जुलूस कोठी बाजार से निकलकर पूरे बाजार को भ्रमण करते हुए स्थानीय चौराहे पर पहुंची, जहां सभी लोगों ने नूपुर शर्मा का पुतला फूंककर आक्रोश व्यक्त किया। यहां सभी लोग हाथों में तख्ती लेकर नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। वहीं विरोध कर रहे लोगों का कहना था कि पैगंबर की शान में गुस्ताखी करने वाली महिला को गिरफ्तार किया जाए। इस मौके पर सैकड़ों लोग मौजूद थे।